हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आरपीएफ के बारे में बताऊंगा मैं आपको। आरपीएफ की वैकेंसी तो आ ही चुकी है, आपको पता चल चुका है, बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आती है तो यूट्यूब पर भरमार हो जाता है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सबके जैसा आपको कुछ ना कुछ बता के और वीडियो खत्म कर दूंगा, इतने पोस्ट हैं, ऐसे ऐसे हैं, वैसे ऐसे हैं। नहीं देखो, मैं जब भी आपसे कुछ बात करने आता हूँ वीडियोस के माध्यम से, तो कुछ ना कुछ अलग सोच के ही आता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि घिसा पिटा कुछ भी आपको बता के चलता बना, नहीं। और आप लोग शायद इसीलिए मुझे पसंद भी करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो वीडियो है, बस आपको लगेगा कि शायद ये हमने सुना है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें अलग आपको बता के जाऊँगा। अगर आपका मैं टाइम खर्च करवा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ आपको नॉलेज ज़रूर दे के जाऊँगा थोड़ी बहुत। इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं आरपीएफ के बारे में ही बताऊँगा और किसी चीज़ के बारे में नहीं बताऊंगा। इसके बाद एक वीडियो और आरपीएफ का होगा, जिसमें मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा, क्या क्या एग्ज़ाम में होगा, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, माइनस मार्किंग क्या है, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है और कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बताऊँगा। अभी की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि जो लाइट थोड़ा हिल गया, जो पोस्ट है वो कितनी आई है। वो आई हैं 9749 पोस्ट टोटल, जिसमें कि 50% महिलाओं के लिए आरक्षण वाली पोस्ट है और कॉन्स्टेबल और एसआई दोनों मिक्स हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से पोस्ट, मतलब कितनी कितनी पोस्टें आई हैं, ये इसमें टाइम बहुत फजूल होगा। आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट जल्दी से जल्दी मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको जो रनिंग है वो 1600 मीटर की रनिंग है 5 मिनट 45 सेकेंड में, और जो हाई जंप और लॉन्ग जंप है इसमें ये इवेंट होते हैं। 14 फुट का आपको लॉन्ग जंप होगा मेल के लिए और 4 फिट का हाई जंप होगा मेल के लिए, और महिलाओं के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर की रेस होगी। और लॉन्ग जंप हाई जंप में लॉन्ग जंप महिलाओं को 9 फिट करनी पड़ेगी और हाई जंप महिलाओं को 3 फिट करनी पड़ेगी। ये तो नॉर्मली है फिजिकल वगैरह, लेकिन इससे पहले की चीज़ जो पहला स्टेज होता है, ये चीज़ तो बाद में भी हम लोग बात कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि इन सब चीज़ों की तैयारी कैसे करनी है। इन सब चीज़ों के बारे में अभी आप मत सोचिए कि कितना दौड़ना है, कितना कूदना है, इन सब चीज़ को भूल जाइए। अभी आपको ये सोचना है कि क्या आप ये फॉर्म भर सकते हैं, क्या आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आप ये मत डरिए कि कितना दौड़ना है, इतना उछलना है, ये तो मेरे बस की नहीं है। ये मौका दोबारा मिलेगा नहीं, आपको फिर से मैं बता देता हूँ, ये मौका नहीं मिलेगा अगर आप इन सब चीज़ों को ये सोच लो कि मेरी आँखें नहीं ठीक है, मैं ये फॉर्म नहीं भरूंगा, मेरी हाइट मतलब 165 सेंटीमीटर ही बन रही है, मैं नहीं भरूंगा फॉर्म, मैं भाग नहीं सकता, मैं कूद नहीं सकता, तो आप गलत हो। अगर आप 10वीं पास हो, अगर आपको एसआई बनना है तो आप ग्रेजुएशन हो, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टेबल बनना है और अगर आप 10वीं पास हैं केवल और आपकी हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर है और आपकी आंखों में कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, आप एबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। आप अगर 10वीं पास हो, आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, तो आप इस फॉर्म को भरो। बाकी की तैयारी मैं आपकी करवाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करना है, कितना दौड़ना है, कितना उछलना है, इन सब चीज़ों को भूल जाओ, अभी इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपका दिमाग खाती हैं, आपको डराती हैं। आपको अपने लक्ष्य पे निर्धारित रहना है कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और इससे अच्छी जॉब तो शायद ही कोई डिफेंस में आपको मिलेगी, जो कि 165 सेंटीमीटर ये भारत की नॉर्मल जनरल लोगों में सबसे कम हाइट में डिफेंस की जॉब प्रोवाइड करने वाली नियमित रेगुलर जो जॉब होती है। ऐसे तो बहुत सारी 3 साल होमगार्ड वाली जो होती है, सिविल डिफेंस होमगार्ड, उसमें छोटी हाइट में भी मिल जाती है, लेकिन वो रेगुलर नहीं होती है, वो 3 साल की जॉब होती है। लेकिन ये जो है ये रेगुलर जॉब है। आप अगर 165 सेंटीमीटर की हाइट में, तो आपको एक वर्दी मिल सकती है, रेलवे में काम मिल सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पुलिस होती है समझो, आपको उसमें काम मिलेगा, और एक अच्छा पद है, कोई गलत चीज़ नहीं है कि आप कॉन्स्टेबल हो रेलवे में, बहुत अच्छी जॉब है। आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, आपने 10वीं पास किया हो और आपको कलर ब्लाइंडनेस ना हो, ठीक है। तो मैं आया इसीलिए हूँ कि आपको फॉर्म ज़रूर भरवाऊँ। आप वीडियो तो देख लेते हो कि कितनी पोस्टें आई हैं, ये है, वो है, इतना कूदना, उतना कूदना, इतना उछलना, उतना उछलना, मैं ये सब बातें नहीं बताऊँगा आपको, ये सब आपको शायद पता चल गई होंगी। अगर नहीं पता है तो आगे आपको पता चल जाएगी, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप इस फॉर्म को भरेंगे, 1 जून से ये फॉर्म भरे जाएंगे, 1 जून से 30 जून, रेलवे की वेबसाइट पे वो सब आपको पता चल जाएगा कि कैसे भरना है, साइबर कैफे पे या फिर खुद से भी भर सकते हैं। लेकिन आप इस फॉर्म को ज़रूर भरना अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है, जितने भी लोग ये सोच रहे हैं। और हाँ, एज का एक बाउंडेशन है, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ कि एज का भी एक बाउंडेशन है, क्योंकि मैंने एक मेन चीज़ तो आपसे बात नहीं करी,
उम्र हाँ देखो, एज एलिजिबिलिटी जो है जो कांस्टेबल के लिए है वो है 18 से 25 साल, और जो SI जो बनेंगे वो है 20 से 25 साल। अब ये 18 से 25 साल और 20 से 25 साल किस तिथि को होना चाहिए, तो ये जो एज की कैलकुलेशन होगी ये होगी 1 जुलाई 2018 से। तो एज का भी अपना कैलकुलेशन कर लेना, अगर आप 1 जुलाई 2018 को 18 साल के होते हो और मैक्सिमम 25 साल से ज़्यादा नहीं होते हो तो आप ये फॉर्म कॉन्स्टेबल के पद के लिए भर सकते हो। अगर आप 1 जुलाई 2018 को 20 साल से छोटे ना हो और 25 साल से बड़े ना हो तो आप SI इंस्पेक्टर के लिए ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो आप फॉर्म को जरूर भरिए। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि इसके सिलेबस, इसके नोटिफिकेशन में सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया, और ये बहुत आसान चीज़ है। जैसा कि देखा गया है कि रेलवे की जो वैकेंसी आई है अभी टेक्निकल ग्रुप भी, इसमें सिलेबस डिफाइन ही नहीं किया था, तो बहुत सारे लोगों को अभी भी प्रॉब्लम है GK आएगी कि नहीं आएगी। मैंने बताया है कि भैया GK रेलवे पूछेगा पूछेगा पूछेगा, मैटर करता है कि क्वांटिटी कितनी रहेगी, तो क्वांटिटी कम हो जाएगी लेकिन पूछेगा जरूर। लेकिन इस वाले सिलेबस में उसने अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया, और मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि कौन कौन सी किताबें आपको लेनी है, किस तरीके से पढ़ना है। यूट्यूब पर अगर टाइम खपाना ही है तो कौन से यूट्यूब वीडियोज़ को देखना है, कौन से यूट्यूब चैनल को देखना है, कहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा, कौन से नोट्स, कौन सी किताबें, ये सारी चीज़ें मैं आने वाले टाइम में आपको बताते रहूँगा। लेकिन अभी के लिए इस फॉर्म को जरूर भरिए। औरों की तरह मैं ये मतलब बता के नहीं भाग जाऊंगा कि इतनी इतनी वैकेंसी आई है, इतनी पोस्ट आई है, ये वो, क्योंकि वो फालतू की चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा जो भी बताता हूँ आपको टॉपिक वाली बात बताता हूँ जो कि आपके काम आएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और एक दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तभी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा और तभी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और आपको फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आवाज़ अगर अभी नहीं आई है तो आप बता देना, मैं एक माइक खरीद लूँगा। हर वीडियो में कमेंट करते हो कि आवाज़ नहीं आई है, इसलिए मुझे अब ये माइक पकड़ के बोलना पड़ रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, एक चीज़ बताऊँगा आपको, प्लीज़ अगर 10वीं पास हो, 165 सेंटीमीटर हाइट है, और जो मैंने एज बताई है वो एज है आपकी, तो प्लीज़ इस फॉर्म को ज़रूर भरना। हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग से कभी नहीं डरना चाहिए। आप ये मत सोचना कि आर्मी वाले बंदे इतना तेज़ दौड़ते हैं या फिर आपके एरिया में जो बंदे रेस वगैरह करते हैं उनको देख के डीमोटिवेट मत होना। मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से रन है, किस तरीके से हाई जंप लॉन्ग जंप करना है, बहुत आसान होता है। इन सब चीज़ों से मत डरना, फॉर्म को ज़रूर भरना। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।